देश में तेल पदार्थों की कीमतों में वृद्धि सहित 12 सूत्री मांगों के समर्थन में देवघर में आज राजद द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई। वहीं इस रैली में पूर्व मंत्री एवं जिला अध्यक्ष सुरेश पासवान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बता दें कि स्थानीय टावर चौक से निकली यह रैली वीर कुंवर सिंह चौक पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं मौके पर पूर्व मंत्री एवं राजद जिलाध्यक्ष सुरेश पासवान ने कहा कि केंद्र की सरकार गरीबों के लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट घरानों के लिए काम कर रही है। यही कारण है कि दो वक्त की रोटी भी गरीबों को नसीब नहीं हो पा रही है। वहीं दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। इस पर अंकुश लगाने की जगह केंद्र सरकार मौन है। सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सारे साथी मिल करके आज प्रदर्शन और धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। महंगाई जो है चरम सीमा पर है, देश के पैमाने पर यह महंगाई बढ़ गया है। डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है। आज बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सारे चीज लेकर के आज कड़ुआ तेल 200 रुपया किलो हो गया। सारे महंगाई को देखते हुए आज पूरे राष्ट्रीय जनता दल राज्यव्यापी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।